Students, welcome to the channel. Students, today I shall be explaining the poem The Clothesline and also giving the answers. So without wasting much time, let's begin with explanation. So your poem name is Clothesline. The Clothesline उसका मतलब होता है कपड़ा सुखाने की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं, या तो जो देखो एक लाइन में एक रस्सी में जो एक साथ कपड़े सूखते हैं उसको बोलते हैं द क्लोथ्स लाइन. फर्स्ट स्टैंजा में पोएटेस कहते हैं कि वो जो कपड़े हैं वो हाथ में हाथ डाल के नाच रहे हैं इधर उधर और आगे पीछे, और उनकी जो मतलब सूखने की जो आवाज़ है फ्लिप फ्लैप फ्लॉप वो करते हुए आगे चलते हैं, वो दूर जाते हैं हल्के हल्के और जल्दी से चलने वाले जो प्राणी हैं जो बर्फ़ की तरह सफ़ेद होते हैं. ठीक है, उन्होंने जो कपड़ों को एक प्राणी से कंपेयर किया है जो स्नो की तरह सफ़ेद होते हैं, वाइट होते हैं. सेकेंड स्टैंजा में पोएटिस कहते हैं कि जो कपड़े हैं वो बेचैन घोड़ों की तरह शरारत करते हैं और ऊंची चाल से चलते हैं, और परी कथा चुड़ौलों की तरह वो बेतहाशा नृत्य, वो सामने से तो गोल हैं लेकिन पीछे खोखले हैं, हवा आती है तो कपड़े हिलते हैं और वो प्रसन्न हवा में कांपते हैं और चुप बैठ जाते हैं. ठीक है, जो हवा आती है तो कपड़े हिलते हैं और जब थोड़ा मतलब हवा कम होती है तो वो चुप बैठ जाते हैं. थर्ड स्टैंजा में पोएट्स कहते हैं कि मैंने कपड़े को उत्तेजित होकर नाचते हुए देखा, आज़ाद होने तक वो बेतहाशा संघर्ष करता रहा, फिर कपड़ों की क्लिप और बाकी कपड़ों की लाइन छोड़कर फिर वो पक्षी की तरह उड़ गई और कोई भी उसे ढूंढ नहीं सका. फोर्थ स्टैंजा में पोएटिस कहती कि मैंने उसकी चमक को देखा जैसे एक कश्ती धूप में चल रही है, मस्ती के लिए थिरकती और थिरकते थिरकते हुए, कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ हो सकती है, खाई में छुप गई या समुंदर में डूब गई. लास्ट पोएटिस कहती हैं कि वो बहुत पहले मेरी रुमाल थी लेकिन वो कभी मेरे जेब में नहीं आएगी और ये मुझे पता है. यहाँ पर आपको वर्ड स्टडी में मीनिंग्स दिए हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. आप वन बाय वन इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आप वर्कबुक लेकर बैठे हैं तो वर्कबुक के क्वेश्चंस इसमें हैं, आप वो मैच करके आप लिख सकते हैं. एंड ऑल्सो टेक्स्ट बुक के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें हैं, आप वन बाय वन कॉपी डाउन कर सकते हैं इसको. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई आर द क्लोथ्स कंपेयर टू लिविंग थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 3 बी का आंसर ये वाला है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में आई राइम वर्ड्स बनाना है, तो लाफ्टर का डॉटर आएगा, नन का शन आएगा, शट का पुट आएगा, इम्प्लाई का सिंपली आएगा. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे वर्ड बनाना है जो एन से जॉइंड हो, जैसे हाइदर एंड थीटर, टू एंड फ्रो, ऐसे आपको बनाना है. क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस व्हाट मस्ट हैव हैपेंड टू द हैंडकरचीफ्स, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. क्वेश्चन 7 में आपको क्या करना है, वॉश योर हैंडकरचीफ्स क्लीन, हैंग इट विद अ पेग टू ड्राई इन द विंड, वॉच हाउ इट फ्लटर्स. आपको अपने हैंकरचीफ्स धोकर हवा में सुखाना है और देखना है वो हवा में कैसे उड़ती है, मतलब उड़ने के लिए कैसे जो फड़फड़ाती है वो आपको देखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजंस. तो देखो आपको वाला है एज वाइट एज ए स्नो, सेकेंड एज ग्रीन ग्रास, एज रेड एज चेरी, एज ब्लू एज द स्काई, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्राइट एज स्टार. नेक्स्ट आपको रीराइट दी कंपैरिजंस यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री. तो एग्जांपल वाइटर देन स्नो है तो इसी तरह से आपको बनाना है, ग्रीनर देन ग्रास, रेडर देन अ चेरी, इसी तरह से आपको बनाना है. ठीक है, बी वाला है फाइंड सूटेबल ऑब्जेक्ट फॉर ईच कंपैरिजंस, एग्जांपल पेटल्स और फ्लावर्स और फेदर वाइटर देन स्नो. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है लिप्स रेडर देन अ चेरी,
और बाकी भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।